सियाराम, सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा नमस्कार। कैकेयी पे, मंथरा पे, हमें सभी पात्र पे आज सुना है। कैकेयी पे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये देखिए मेरी पुस्तक है कैकेयी पे लिखी हुई। मैंने एक गद्य लिखा है कैकेयी के ऊपर में, और इसे लिखने के लिए मुझे करीबन 8 से 10 माह लगे थे। और मैं अभी 10 मिनट में जितना मेरे से हो सकेगा, क्योंकि मेरे पूर्व में मेरे जो ये थे मिश्रा जी जो थे, उन्होंने काफी कुछ कह दिया है, तो कुछ छोटा सा मैं कुछ कहना चाहूंगी। माता कैकेयी का यदि चरित्र लिखने पे जैसे ही विचार आता है, जैसे भी मन में विचार आता है, तो हमें सबसे पहले राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की याद आती है। वो पंक्तियां याद आती है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही एक काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभव है। श्री राम कथा का केंद्र बिंदु ही कैकेयी रही है, क्योंकि कौशल्या ने तो सिर्फ राम को जन्म दिया था, संसार को राम का दर्शन कराया था, किंतु माता कैकेयी ने श्री राम को वन भेज के राम के रामत्व का दर्शन कराया है। आज एक बात कहना चाहूंगी कि आज यदि हम रामनवमी बनाते हैं, रामनवमी का जो आयोजन करते हैं, वो सिर्फ माता कैकेयी की ही देन है कि आज हम उनके जो उन्होंने जो सारे वन में भटक कर जो सारे राक्षसों का जो वध किया है, और जिस प्रकार से वो विजयी होके पताका के साथ में जिस प्रकार से वो अयोध्या वापस लौटे थे, वही रामनवमी का सबसे बड़ा जश्न रहा है। अब आगे बढ़ती हूँ मैं कि श्री राम आज की तरह पूजनीय एवं भारत की अंतरात्मा तो नहीं होती यदि दृष्टि से राम कथा में कैकेयी का उल्लेख नहीं होता। हम जैसे कि मंथरा के बारे में हमने सुना है कि मंथरा के जुवान पर माँ सरस्वती का वास होता है, और वो अपने वक्तव्य कह देती है किनसे, जाके कैकेयी से। पर मंथरा के हम कहते हैं कि बुरे लोगों की संगत से बुरा असर हमारे इस पे पड़ता है, कुछ हद तक तो ये ठीक है, किंतु मंथरा के संग दोष का प्रभाव उनके प्रति सबके हृदय में घृणा एवं नकारात्मक भाव उत्पन्न कर देता है। उसके बाद में जब कैकेयी ने दो वरदान मांगे थे, यदि वो नारी हो सुलभ ममतावश केवल एक ही वरदान भारत को राम दशरथ से जब दी, उनके पास वो दो वरदान जो तो उनके अधिकार जो सुरक्षित रखे गए थे उसमें से वो चाहती। आप लोग सुन रहे हैं ना, मुझे आवाज आ रही है ना? जी हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, तो उनके पास में दो वरदान सुरक्षित थे जो राजा दशरथ ने कैकेयी को दिए थे, और यदि वो चाहती तो वो एक ही वरदान मांग सकती थी, वो भी क्या, भरत का राज्याभिषेक। किंतु उन्होंने उसी समय राजा से दूसरा वरदान यह मांगा, राम को 14 बरस का वनवास, रावण और अन्य राक्षसों का विनाश एवं देश की रक्षा हेतु और एवं परहित के हेतु मांगा था उनके यहाँ उनका शिव स्वरूप। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कैकेयी जो थी वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। आज रामेश्वरम के जो राम है वो कैकेयी की ही देन है। यहाँ पे उनका जो कैकेयी का शिव स्वरूप दिखाई देता है, उन्होंने अपयश रूपी हलाहल का पान कर देव कार्य को सिद्ध किया है। उनका इस प्रकार का चरित्र में भरत को राजा बनाने का स्वाभाविक ममता के भाव के साथ साथ जगत के कल्याण हेतु अपयश की स्वीकारता के मिले जुले भाव दृष्टिगत होते हैं। कैकेयी जानती थी, कैकेयी को यह अच्छी तरह से ज्ञात था कि उनके संस्कार कुछ भरत के साथ ऐसे थे कि वो जानती थी कि वो यदि राज्याभिषेक वो कैकेयी को राजगद्दी का अधिकार देना चाहती है तो कभी भी भरत कभी भी ये सब चीजें उनसे ग्रहण नहीं करेंगे। और ये उनके संस्कार थे जो उन्हें उन्हें उतना ने उनके ऊपर में इतना विश्वास था उन्हें कि भरत उनसे राजगद्दी श्री राम से कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे। यह कैकेयी का चरित्र था। कैकेयी का उद्देश्य क्या था, राम के प्रति उद्देश्य क्या था? कैकेयी का उद्देश्य यह था कि प्रभु श्री राम का शील एवं संयम का चित्र समाज के सामने चित्रित हो। बड़े से बड़े अपराध को प्रभु राम ने अपने कोमल स्वभाव से कैसे क्षमा कर दिया, और इस प्रकार रामचरितमानस द्वारा राम भक्ति का संदेश सब जनता तक पहुंचा था। कैकेयी को ज्ञात था, क्या ज्ञात था,
कि राजा दशरथ को श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के श्राप की जानकारी राजा दशरथ ने सिर्फ कैकेयी से ही बताई थी। राजा दशरथ ने इस चिंता पर जब अपनी व्यथा कैकेयी से कही, तब कैकेयी ने राजमहल में कोई अनहोनी ना घटित हो। अब ये देखिए कि अपने चारों पुत्रों को बचाना भी था और संकट को टालना भी था। तो उन्होंने राजा कैकेयी ने राजमहल में कोई अनहोनी घटना ना घटित हो, ये इसकी चिंता भी अब कैकेयी को सताती रही, क्योंकि श्रवण कुमार का राजा दशरथ को ये था कि आप भी पुत्र वियोग भी ही दम तोड़ेंगे। तो क्योंकि माता पिता के लिए पुत्र वियोग सबसे बड़ा वियोग होता है, तभी कैकेयी के मन में ऐसा विचार भी आया कि यदि सभी पुत्रों को दूर भेज दिया जाए तो बड़ा से बड़ा संकट, जो पुत्र वियोग का जो संकट है वो भी पूरा हो जाएगा और राजा दशरथ को मिला हुआ श्राप भी पूरा हो जाएगा। कैकेयी राम की हर नीति को परखती थी और राम की सक्षमता पर कैकेयी को विश्वास भी था। वह जानती थी कि भरत के प्रति उनके संस्कार भरत को राजगद्दी पर आसीन तो नहीं होने देंगे, और यह संस्कार भरत ने चित्रकूट जाके अपने संस्कार को बताया कि उन्होंने भाई के पादुका को राजगद्दी पर रखा था। यदि कैकेयी ने अपने ऐसे संस्कार राज भरत को ना दिए होते तो शायद आज कुछ हमारे सामने कोई चित्र अलग होता था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो जो भी है, एक में किंवदंती में एक किंवदंती है कैकेयी के प्रति, कि किस प्रकार से उनकी मुलाकात उस शिव भक्त जो थी उसके प्रति मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि कैकेयी के अपनी माँ से वो बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, और जब वो उनको बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला तब वो ढूंढते 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 एक जगह मार्ग भटक जाती है और एक कुछ ऐसे वीरान जगह पे पहुंच जाती है जो स्थल जो था वो पूरा बर्फ से ढका होता है और उसमें उन्हें एक भी आदमी दिखाई नहीं देता है। अब वो घबरा जाती है। तब ये कहानियों में उन्होंने सुना था कि अब वो उनकी बचपन की जो कहानियां थी जो उनके पिता ने उनको सुनाए थे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वो एक बहुत बड़ी योद्धा थी, वीरांगना थी, और राजा दशरथ जो थे उनके इसी कार्यशैली से ही प्रभावित हुए थे। तो बर्फीली हवाओं से घिरी ये जगह कैकेयी के लिए अनजानी थी और आगे चलते चलते वो एक गुफा में घुस जाती है। अचानक वो देखती है कि राक्षसों ने उनका चारों तरफ से उनको घेर लिया है। कुछ राक्षसों के हाथ में त्रिशूल थे और कुछ लोगों ने जानवर के खाल लपेटे हुए थे। यह सब देख कैकेयी बड़ी घबरा जाती है और उन्हें यह लगता है कि मौत तो मेरे सामने खड़ी है। और कुछ राक्षसों ने तो त्रिशूल तक उनकी तरफ फेंक दिया था, और वो घुटने के बल बैठ जाती है और वो किस तरह अपने आप को बचाव कर लेती है। कुछ राक्षस बेहोश भी हो जाते हैं। तब उनके सामने एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही शुभ्र रंग की एक छवि उत्पन्न होती है जिसके चेहरे पे, और उन्हें वो रोशनी जो थी, जो छवि जो थी वो बहुत तेज रोशनी लिए उनकी तरफ बढ़ती है। तब वो पूछती है, बहुत हिम्मत जुटाती है कैकेयी और पूछती है कि भाई ये कौन है जो मेरी तरफ इतनी तेज रोशनी के साथ में आ रहा है। तब वो छवि कहती है, वहां से एक पीछे से आवाज आती है, मैं अंबे हूँ, मैं ही गौरी हूँ। तो कैकेयी कुछ समझ नहीं पाती और कैकेयी कहती है कि सही से ही बताओ, मैं इन्हें नहीं जानती हूँ, ये कौन है। मैं महादेव की गौरी हूँ। तब कैकेयी महादेव का नाम सुनते ही कैकेयी शांत हो जाती है और अर्धनारीश्वर के रूप में कैकेयी के सामने खड़े हो जाते हैं कौन, हमारे अर्धनारीश्वर महादेव। कैकेयी अपने आंसू पोंछती है और डरी सहमी सी थोड़ी हिम्मत जुटाती है और हाथ जोड़ के उनसे, महादेव से माफी मांगती है। मुझे, हे महादेव, मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं सकी, मुझे एक और महिला, और वो कहती है कि मुझे एक और महिला से मेरी मुलाकात हुई थी मेरे रास्ते पर, और वो पूछती है कि मैं कहाँ हूँ। तब महादेव उनसे कहते हैं कि कैकेयी आप कैलाश पर्वत में हैं। तो तब उनको उनका और कैकेयी का संवाद होता, महादेव का और कैकेयी का संवाद होता है। तब महादेव कैकेयी को आत्मा और शरीर की बातें बताते हैं। महादेव कहते हैं कि वो ही पूर्ण आत्मा है, प्रत्येक का जन्म मुझसे ही होता है और अंत में मुझ में ही समा जाता है, पुनर्जन्म लेने के लिए यही माया है। तो कैकेयी कहती है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ महादेव, मेरे इष्ट देव। तो कैकेयी महादेव से हाथ जोड़कर विनती करती है और कैकेयी महादेव कैकेयी से शांत होने को कहते हैं।
महादेव कैकेयी को समझाते हैं, मैं ही निराकार हूँ, मैं निरंतर बहने वाली ऊर्जा हूँ जो सृष्टि को जन्म देती है, अंत में उसे ही मैं ग्रहण कर लेता हूँ। यह हम जो भी देख रहे हैं सृष्टि में, आप, यह सब हमारी सोच का एक ही रूप है। पानी में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब ही हमारी सोच है। सृष्टि निरंतर बहने वाली ऊर्जा ही हमारे सारे विश्व को कर्म से बांध रही है। यही कर्म है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वही कर्म है। तो कैकेयी पूछती है कि अच्छा व्यक्ति भी कर्म करता है, बुरा व्यक्ति भी कर्म करता है। तब महादेव क्या कहते हैं सुनिए, अच्छा और बुरा कुछ नहीं है, वह ऊर्जा का विपरीत रूप है। यहाँ आप ध्यान दीजिए, वह ऊर्जा का विपरीत रूप है। जैसे मेरे कुछ रक्षक है तो मेरे को कुछ नष्ट करने वाले राक्षस भी है, वह विपरीत ऊर्जा है। कैकेयी महादेव जो है वो कैकेयी को समुद्र का उदाहरण देके समझाते हैं कि वहां भी ऊर्जा है और इसीलिए वहां जीव जंतु निवास करते हैं। और देखते ही देखते धीरे धीरे महादेव का शरीर एक अर्ध नारीश्वर में जब परिवर्तित हो जाता है, जिसमें पुरुष श्याम वर्ण का और गौरी श्वेत वर्ण की है, कैकेयी की आंखें खुल जाती है और तब वो कहते हैं कि ये देखो, यही मेरा अर्ध नारीश्वर का स्वरूप है। कैकेयी उनके नतमस्तक होती है और महादेव कैकेयी से कहते हैं, सृष्टि कुछ नहीं है, बस ऊर्जा है और यही सत्य है। अंत में जीवन में धीरे धीरे समाप्त होकर पुनः ऊर्जा की ओर हमारा जीव बढ़ जाता है। यहाँ तीन ऊर्जा का वो विविध तत्वों को जन्म देते हैं। पहला तत्व है जो खुली आंखों से देख सकते हैं, दूसरा है परितत्व जिसे हम देख नहीं सकते हैं, और तीसरा है परातत्व जो हर रूप में हमें दिखाई देता है। और आज महादेव कहते हैं कि आज जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, कहते हैं तुम भी सृष्टि में बहने वाली ऊर्जा की एक प्रणेता हो। स्वर्ण मंडल में दिखाई देने वाले तारे सबका निज जन्म होता है और कुछ देर बाद वे मिट जाते हैं, यही जीवन है। तब कैकेयी पूछती है कि महादेव मैं क्या करूं, तब वो कहते हैं क्योंकि संसार में कोई भी सच्चा नहीं है और सच्चाई भी भिन्न है, आपके पिता भाई की सच्चाई भी में भी भिन्नता होती है, बस यही मतभेद का आरंभ होता है। वैचारिक असमानता ही प्रकृति की अंतिम सच्चाई है। पानी की बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। हर कोई जिंदगी जीने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना कि संघर्ष यदि समाप्त हो जाए तो आपका कर्तव्य समाप्त हो गया, क्योंकि दूसरा विपरीत ऊर्जा आप पर हावी हो जाएगी और आप पर नकारात्मक प्रभाव जमा हो जाएगा। ऐसा संदेश महादेव जी कैकेयी को देते हैं। समाज की भलाई ही परिवार की भलाई है। जीवन की भागदौड़ में जीना है तो कुछ ऐसा करो जो समाज में बदलाव हो सके। तब यह संभव है तब शक्ति पर स्वयं का नियंत्रण हो। आप खुद ही शिव है, सारे जग में शिव समाहित है। शिव ऐसा कहके शिव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, कैकेयी से दूर जाने लगते हैं। कैकेयी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, हे शिव कहकर उन्हें रोकती है, किंतु वह तो शक्ति थी, ऊर्जा थी जो कैकेयी के पास मौजूद थी। और कैकेयी ये सारा एक स्वप्न था जो किंवदंती की एक कथा के रूप में वर्णित हुआ है। और कैकेयी घबरा जाती है और कैकेयी अपना सा देखती है कि कैलाश ना कोई कैलाश पर्वत है ना समुद्र है, बस वो शिव जी ने आकर उन्हें अपने दर्शन दिए और अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रेरित किए। बस इतना ही मैं मां कैकेयी के लिए कहना चाहती हूँ। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।